रवि जी, आप इनको लेके बिहार जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी वीडियो एक अभी वायरल हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो कहेंगे कि आप मजदूर भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, देखिए बोलने वाले बोलेंगे, वो लोग कर ले, मैं नहीं करूंगा, वो लोग कर ले, वो लोग डेवलपमेंट कर ले, वो लोग इनके दर्द को दिखा दे, बात खत्म। हमारा राजा है, राजा हम, हमारा राजा है गरीब का मसीहा, यह है गरीब का मसीहा, बोलने वाले, चलने वाले, चलाने वाले। हवाई अड्डा हमारा बाप भी नहीं देखा था। पहली बार फ्लाइट से जा रहे हैं? जी पहली बार जा रहे हैं, हम तो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि फ्लाइट पर चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये सपना तो पूरा कर दिया मनीष जी ने। यह तो मेरे मनीष भैया का मेहरबानी है। विरोध करे, सपोर्ट करे, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। लेकिन वो लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि मनीष जो है बात कर रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है, दमदार बात कर रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है और हमारे साथ मनीष सर मौजूद है। सर कहाँ जा रहे हैं दिल्ली से? दिल्ली से मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरे साथ वो हरियाणा के अपने भाई हैं जो हरियाणा में मजदूरी करते थे और 13 महीना से घर नहीं गए थे। वो इसलिए घर नहीं गए थे कि वो बोल रहे थे कि जब तक मनीष कश्यप जेल में रहेंगे, जब तक जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे पता चला, मुझे वीडियो आया, मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो मैं बोला क्या कि वो अब मेरे से मिलने नहीं आएंगे। हाँ। अब मैं उनसे मिलने जाऊंगा, तो मैं गया जब इनके पास, तो सुबह मतलब कि ये जो है खेत में काम कर रहे थे, जिस खेत में बड़ा सा प्लॉट था वहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ। जब मैं इनसे मिला, बात किया, तो पता चला कि मेरे जेल से निकल जाने के बाद जिस दिन मैं इनसे मिलने गया, उस दिन इनके घर पे जो है वो शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा वो इसलिए हो रहा था कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर निकल गए हैं, मेरा पति जो है, इनकी पत्नी करा रही थी कि मेरा पति जो है अब घर आएगा, इनके लिए करा रही थी। तो ये एक अच्छी बात है, मुझे लगा कि चलिए जब ये मेरे लिए इतना किए हैं तो एक सपना पूरा किया जाए। इनका ट्रेन का टिकट हो चुका था, तो मैंने बोला कि जब आप मेरे लिए इतना कष्ट झेले हैं तो चलिए अब आपको मैं अपने साथ लेके चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये साथ में खड़े हैं और इनका नाम सिकंदर है, ये बिहार के ही रहने वाले हैं और मनीष जी इनको फ्लाइट से लेके जा रहे हैं। आप पहली बार फ्लाइट से जा रहे हैं? जी पहली बार जा रहे हैं, हम तो कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि फ्लाइट पर चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये सपना तो पूरा कर दिया मनीष जी ने। यह तो मेरे मनीष भैया का मेहरबानी है, हम भी प्राण ठान लिए थे, 12-13 महीना हो गया था, हम 3-4 महीना काम किए थे, इसके बाद इसका अंदर हो गया था, केस कुछ लग गया। हाँ। अंदर हो गया, मैं भी प्राण ठान लिया कि झूठ। अभी सिकंदर जी आप इनके साथ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इधर आसपास में आपने एरो सिटी देखा, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि विदेश बना हुआ है ये दिल्ली, कि ऐसा विकास बिहार में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा सरकार होगा तो होगा, बिहार में भी ऐसा ही सुरक्षा होगा। यह तो देखो, ये दिल्ली देखने वाले है, दिल वाले का, बिहार तो कंगाल वाले का है। जिसका गोज में पैसा नहीं है वो ऐसा आदमी बिहार में चीज के लिए तो लगातार आवाज। तो हम लोगों को बदलना है, देखिए बिहार में बहुत कुछ है, IAS IPS है, बिहार में संसाधन है, मेहनती मजदूर है, लेकिन लोगों को कंगाल जो है बिहार के नेता कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, ये चीज है। अभी मैं जिस एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मतलब कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है, दिल्ली एयरपोर्ट, पूरी दुनिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इस प्रकार से एक अगर एयरपोर्ट बिहार में बन जाए तो शायद 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से 40-50 हज़ार लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और प्रत्यक्ष रूप से उस एयरपोर्ट के वजह से जो डेवलपमेंट होगा तो 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लगता है कि ऐसा कुछ होगा इतनी जल्दी? जब हम जैसे लोग जो है जातिवाद त्याग देंगे और अच्छे सरकार का चुनाव करेंगे तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे एरो सिटी जो बना है, कितना कमाल का, मतलब कि ऐसे वहाँ पे जाने के बाद लगता है कि आप जो है फॉरेन में है। हाँ। मतलब इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। अभी जो है ये दिल्ली एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, बेंगलुरु में भी वैसा ही है, हैदराबाद में, चेन्नई में वैसा ही, यहाँ तक कि जो छोटा छोटा शहर है, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, एज कम्पेयर टू बेंगलुरु चेन्नई, वहाँ का भी स्थिति बहुत बदल गया है। अब छोड़िए ये शहरों का, अंडमान निकोबार जो है, जो 2000 किलोमीटर दूर भारत का किसी भी तटीय सीमा से अंदर समंदर में है, वहाँ का भी एयरपोर्ट जो है वो पटना एयरपोर्ट से अच्छा है, अंडमान निकोबार का। अब जरा सोचिए, तो देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में मजबूत नहीं है। अब जरा बताइए, कोई बिजनेसमैन विदेश से आ रहा है बिहार में इन्वेस्टमेंट करने और वो एयरपोर्ट पे जब उतर रहा है तो देख रहा है कि ये एयरपोर्ट तो बस स्टैंड जैसा है।
बस स्टैंड से भी खराब है। आप जाइए बहुत सारे राज्यों में बस स्टैंड जो है ना वो पटना एयरपोर्ट से अच्छा बन गया। ये लोग बोलते हैं कि हम विदेशी इन्वेस्टर लेके आएंगे, अब वो इन्वेस्टर आएगा कैसे? वो एयरपोर्ट पर पटना एयरपोर्ट पर उतरेगा और देखेगा कि ये यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ का तो एयरपोर्ट सही नहीं है। ज़रा सोचिए, तो हर चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का, बस स्टॉप का। जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक बिहार डेवलप नहीं होगा। और मुझे लगा कि चलिए हाँ, ये मजदूर है, इनको भी दिखाया जाए कि इस प्रकार से हम अपने राज्य को डेवलप अगर करेंगे तो इन्हें हरियाणा में जाके, पंजाब में जाके, महाराष्ट्र में जाके, मजबूरी में, अपने मन से तो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी में जाके वहाँ पे गर्मी ठंडा बरसात में खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। मन करता होगा कि हम अपने बिहार में ही रोजगार रहे, जॉब करें, दूर ना जाए। हमारा जन्मभूमि बिहार में है लेकिन बिहार में रहने चाहते हैं, हम लोग बिहार में रहने चाहते हैं, रोजगार मिलेगा तो इसके बाद ही बिहार में रहेंगे। मनीष जी, आप इनको लेके बिहार जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी वीडियो एक अभी वायरल हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग जो कहेंगे कि आप मजदूर भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, देखिए बोलने वाले बोलेंगे, वो लोग कर ले, मैं नहीं करूँगा, वो लोग कर ले, वो लोग डेवलपमेंट कर ले, वो लोग इनके दर्द को दिखा दे, बात खत्म। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, उन लोगों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, जो 14 साल बदमाश के बाद जो है माँ सीता के साथ अयोध्या में आए, उनको भी नहीं छोड़ा। हम लोग तो इंसान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि अब हर जगह, मनीष कश्यप जब से दिल्ली आया है, जितना दिन दिल्ली रहा, 3-4 दिन मैं दिल्ली रहा, रात के 2-2 बजे तक मैंने इंटरव्यू दिया है, और बड़े बड़े चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे मैंने इंटरव्यू दिया रात के 2-2 बजे तक, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार, बिहार का विकास, बिहार का मजदूर, बिहार का किसान और बिहार के युवाओं पे चर्चा हुआ है। तो ये अच्छी बात है। अब विरोध करे, सपोर्ट करे, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें पता है कि मनीष जो है बात कर रहा है, जेन्युइन बात कर रहा है, दमदार बात कर रहा है। लेकिन अब इसका जवाब नहीं मिल रहा है, अब आप दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, क्या अब 180 दिन वाला जो बात है लोग उसको काउंट करेंगे? देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मेरे घर पे जो है मनोज तिवारी आ रहे हैं, मतलब कि जो दिल्ली के सांसद हैं, कल वो आने वाले हैं, तो पहले तो मैं उनसे इनको मिलवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद से वहाँ पे भी जो है बिहार में कैसे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो उसके बारे में चर्चा होगा, और उसके बाद से जो है फिर हम लोग दिल्ली आएंगे, बैठेंगे, फिर दोबारा आप पूछिएगा तो इस सवाल का जवाब दूंगा। खुश है ना? बिल्कुल खुश है। घर वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है, वो तो 2 दिन से टेंट लगा रखा है, जैसे टेंट लगा है, स्वागत में। हाँ, स्वागत में। ये वीडियो कॉल पे सब दिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं कोई सिक्योरिटी वाला रोक मत ले कि आप इस चीज को नहीं, आप इस चीज को नहीं दिखा सकते हैं। ये अपने घर वाले को दिखा रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, देख लो यहाँ पे। तो मुझे डर था कि कहीं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला ये ना समझ ले कि आप जो है, मतलब इधर बना सकते हैं वीडियो, अंदर नहीं बना सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, तो वहाँ पे वीडियो कॉल मत कर दीजिएगा, नहीं तो हम नहीं करते। हमारी खुशी देख के कैसा महसूस, कितना सुकून मिला? देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना पेट पाल लें, अगर जानवर को भी शिक्षित कर दिया जाएगा तो वो भी अपना पेट पाल लेगा, और अगर शिक्षित नहीं भी किया जाएगा तो भी जानवर अपना पेट पाल लेता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप जो है दूसरी की ज़िंदगी को बदल दें। हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे की ज़िंदगी को कैसे बदला जाए। अगर मेरे वजह से एक आदमी का अगर ज़िंदगी बदल जाएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैं जो शिक्षित हुआ हूँ वो सार्थक हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे खुशी का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, और वो खुशी के रीजन सिकंदर जी ही हैं। मैं नहीं है, हम नहीं है, हमारा राजा है। राजा हमारा है। गरीब का मसीहा, यह है गरीब का मसीहा, बोलने वाले, चलने वाले, चलाने वाले। हवाई अड्डा हमारा बाप भी नहीं देखा था क्या? हमारा बाप भी नहीं देखा था हवाई अड्डा, लेकिन आपका बेटा जो है हवाई अड्डा जरूर देखेगा, और बेटा जो है हवाई जहाज पे जरूर चढ़ेगा। अब बिहार का मजदूर का बेटा भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा बिहार का, ये गारंटी है। अगर थोड़ा भी वो टैलेंटेड होगा तो उसके सारे सपनों को पूरा किया जाएगा।